गोरखपुर के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आज हर क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। भारत आज एशिया में मेडिकल उपकरणों का चौथा बड़ा बाजार बनकर उभरा है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत विश्व का पावर हाउस है। दुनिया की करीब 70% दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होती है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 9,304 से अधिक दवाओं को सस्ते दाम में उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के द्वारा 1.34 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री अब तक 3.59 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। 2.73 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए। आज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पे है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के आह्वान पर पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वे सफल नहीं हुए, क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। राम मंदिर मुद्दे को कांग्रेस ने लटका कर रखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया। मोदी सरकार की 9 सालों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से गरीब का जीवन सुधरा और सरकार के कामकाज में सुलभता आई। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभ उठा रहे हैं। भारत की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। उसी के उपलक्ष्य में आज आप लोगों से वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल जो मौनी बाबा इस देश के प्रधानमंत्री थे, जो रिमोट से चलते थे, उनके कार्यकाल में इस देश की बड़ी दुर्दशा हुई। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली, हर क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। और आप देखेंगे कि भारत का जो सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है मोदी जी हम आपसे ऑटोग्राफ लेने की इच्छा करती है, किसी देश का प्रधानमंत्री जो है पैर छू के अभिवादन करता है, तो भारत के लिए सौभाग्य की बात है। नहीं तो पहले के समय में आप देखेंगे देश का प्रधानमंत्री या कोई विदेशों में जाता था तो हर जगह जामा तलाशी तक ही नौबत आती थी। आप देखें चाहे किसी क्षेत्र में आप हम किसान साथियों की बात करते हैं, अगर किसान सम्मान निधि की बात करें तो 11 करोड़ 40 लाख के करीब किसानों को आज किसान सम्मान निधि मिल रही है। जिस यूरिया का बोरा हम लेके जाते थे और वो भी मिल नहीं पाती थी, आज उसको बाटल में करके मोदी जी ने ये भी इतिहास रचा है किसानों को, कि उतनी एक बोरे के बराबर एक बाटल में ही काम चल जाता है किसानों के लिए। बिजली की आप देखें हर तरफ इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है, जर्जर ताल पोल जितने थे हमारे, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर जगह जर्जर तार पोल बदले जा रहे हैं। अभी कुछ पैसे आए हैं, 2024 से तक तो हमको लगता है कि कहीं बिजली की समस्या नहीं रह जाएगी। वही नए निर्माण कहीं होंगे तो हो सकता है वहाँ पर बिजली की समस्या कहीं रह जाए। उसी तरह से आप देखें कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में देश स्तर पर प्रदेश स्तर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जितना ऐतिहासिक कार्य किया है, आज अपराधी पनाह मांग रहा है, भाग रहा है, जो कितने लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे और बहुत से अपराधियों को जेल में शरण लेनी पड़ी और उनकी संपत्ति चल संपत्ति लगातार आप देख रहे हैं कुर्क हो रही है। और भारत का चाहे पाकिस्तान से चाहे चाइना से पहले झुक जाता था भारत, आज के डेट में मोदी जी के नेतृत्व में भारत झुकने के लिए तैयार नहीं। तो ये भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि मोदी जी की सरकार में इतना ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, कोई मंत्री के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार में सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और विश्वास है कि आगे भी और बेहतर काम होगा। और संगठन भी आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना बढ़िया काम कर रहा है, दो सांसद से आज के डेट में दो दो बार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, निश्चित है कार्यकर्ता भी अच्छा काम करते, इसी नाते इतना बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। हमारी ऐतिहासिक धरोहर जितनी थी आप देखें, उसको में भी चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर बन रहा है जो 492 साल से लंबित पड़ा हुआ था, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, पूरे देश में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये सब कार्य भी हो रहे हैं। हमारे वहाँ देखें, चाहे केंद्र सरकार की भर्तियाँ हों, चाहे प्रदेश सरकार की भर्तियाँ हों, कहीं कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है, और जो पढ़ने वाला लड़का हो, जो टैलेंट है, उसको नौकरी मिल रही है मोदी जी योगी जी के राज में। ये सब बहुत सी बातें हैं मैंने आपसे शेयर करने हम आए हैं। 2024 नजदीक आ रहा है, किस तरह से इसको आप अपने कार्यकर्ताओं में दम भरेंगे? देखिए, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उम्मीद नहीं पालता है, वह अपना व्यवसाय करता है, कुछ करता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता। आप देखें, लगातार 14 से चुनाव हो रहे हैं, 14, 17, 19, 22 लगातार ये चुनाव है, पर नगर निकायों का अभी चंद दिनों पहले चुनाव हुआ है। कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है कि 17 निगमों में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है। इससे पहले किसी पार्टी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया था। नगर निकायों में देखें, नगर पंचायतों में देखें कि भारतीय जनता पार्टी की हर जगह 3 गुना 4 गुना अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये जनता वोट देती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एकजुट हो जाए पार्टी, लेकिन भाजपा खा जाएगी। इससे पहले भी वो लोग एकजुट हुए थे, बहन जी हुई थी, वो लोग सब लोग हुए थे, क्या कर लिए? ऐसा कुछ नहीं है। अब वो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब कुछ वो लोग नहीं कर पाए, मोदी जी का कारवां बहुत आगे निकल चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जो पूरे उमंग जोश के साथ कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित है मोदी जी का नाम ही बहुत बड़ा। हम कहीं किसी जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम देश स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं। ये आम चुनाव है, और निश्चित मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा है, उनके आगे किसी का चेहरा कुछ नहीं है। किसी दल में कोई 10 नेता का नाम बता दिए जो प्रचार करने के लिए तैयार हो। यहाँ तो हजारों का कारवा भारतीय जनता पार्टी में है, जो एक से एक नाम है, बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं निकलते हैं तो समाप्त बांध देते हैं। कितनी सीटों पर जीत होगी? निश्चित हम 400 के करीब जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछड़ा प्रदर्शन देख लिए, उससे बेहतर हमारे मुख्यमंत्री जी का इस समय कार्य चल रहा है, और उत्तर प्रदेश ही दिल्ली में सरकार बनाता है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लाने गए? निश्चित है हम लोग तो चाहेंगे 80-80 जीत जाए, लेकिन उसके करीब पहुंचेंगे, यह ऐसा विश्वास है। जनता ने हर कार्यों में योगी जी के, मोदी जी को, चाहे प्रधानमंत्री आवास को आप देख लें, इतना बड़ा फैसला, कहाँ बनते थे आवास, कागजों में आवास बनते थे, आज के डेट में धरातल पर आवास दिखाई दे रहा है जनता को। आप शौचालय देखिए, बहुत बड़ी स्कीम है। एक तो स्वच्छता के क्षेत्र में हमने काम किया है, और जो गरीब महिलाएं जो बाहर जाती थी शौच के लिए, तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती थी, लेकिन आज उससे भी हम बचे हैं। और स्वच्छता के क्षेत्र में हम तो पूर्वांचल वाले हैं, आप देखें जहाँ इंसेफ्लाइटिस के मरीज बहुत ज़्यादा होते थे, आज के डेट में आप इंसेफ्लाइटिस से करीब करीब निजात पा चुके हैं। आपके गोरखपुर में ही आप देखें 8 सुपर स्पेशलिटी वार्ड आपके आपके BRD में बन चुके हैं, आपके गोरखपुर को एम्स मिल चुका है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, जहां 27 साल से बंद पड़ा हुआ आपका खाद कारखाना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज खाद कारखाना खाद पैदा कर रहा है, तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो इस नाते हमको विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बंपर सदस्यों के साथ सरकार बनाएंगे।